अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुद भी हेल्दी रहें और अपने घर वालों को भी हेल्दी रखें। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 1/4 कप मैदा, यानी 1/4 कप मैदा चाहिए हमें, और साथ में 1/2 कप चीनी चाहिए। यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर ले रही हूँ। अगर आपके पास आइसिंग शुगर मौजूद नहीं है तो आप चीनी को ब्रिक पीस लें और उसको छान लें तो रिज़ल्ट सेम ही आता है। इसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, छोटा टीस्पून चाहिए, और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए सॉल्ट, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने रोस्टेड ज़ीरा लिया है, और 1/2 मैं बीच में डाल दूँगी, 1/2 मैं ऊपर स्प्रिंकल के लिए रख दूँगी, और लास्ट पे हमें चाहिए 1/2 कप घी। इस रेसिपी में हम लोग मेल्टेड घी लेंगे, और सबसे पहले मैं घी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें आइसिंग शुगर शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम लोग इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही रोस्टेड ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैदा शामिल करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे अपनी डो को बनाने के लिए। मैं इसमें पहले थोड़ा सा दूध शामिल करूंगी। अगर मेरी डो से तैयार हो जाएगी तो मुझे इसमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और एक डो की शक्ल में इसको गूंद लूंगी, ठीक है। आप को जितना दूध रिक्वायर्ड हो आप सिर्फ उतना ही डालिएगा, और हमारी डो सॉफ्ट होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी हमें। अब हम अपने बिस्कुट बनाते हैं, तो मैं सिंपली छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना रही हूँ, उसको प्रेस कर रही हूँ एक बिस्किट की शेप देने के लिए। और मैं इसी तरह सारे बॉल्स बना के उसको थोड़ा सा प्रेस करके बिस्किट की शेप दे दूँगी, और एंड पे इसके ऊपर रोस्टेड जो ज़ीरा हमारा रह गया था उसको स्प्रिंकल कर दूँगी, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। इसको यहाँ पे पतीले में बेक कर रही हूँ। पतीले में बेक करने के लिए पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया, और उसके बाद मैं इसके अंदर अपने बिस्किट्स रख दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, उसके लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को प्री हीट कर लें और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें। जब ये बेक होकर बाहर आएँ ये सॉफ्ट होती हैं, और थोड़ी देर बाद ठंडा करने के बाद ये क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार हो जाती हैं। देखिए बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बिस्किट्स तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।